भारत की प्रमुख वाणिज्यिक की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अल्ट्री ग्रीन ने बिहार की राजधानी पटना में आज अपने ब्रांड न्यू रिटेल एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, सूरत और मोहाली जैसे शहरों में अपनी डीलरशिप का उद्घाटन करने के बाद पटना में यह कंपनी की 16वीं रिटेल डीलरशिप है। अल्ट्री ग्रीन का यह नया अनुभव केंद्र इलेक्ट्रिक वाहनों में गहरी रुचि रखने वाले लोगों को अल्ट्री ग्रीन के इलेक्ट्रिक कार्गो वाहनों की रेंज से रूबरू कराएगा। अपने साथ साझेदार के रूप में काम करने के लिए अल्ट्री ग्रीन ने उद्योग में सबसे विश्वसनीय और अनुभवी नामों में से एक पाटलिपुत्रा ऑटोमोबाइल के साथ हाथ मिलाया है। अल्ट्री ग्रीन के संस्थापक और CEO डॉक्टर अमिताभ शरण ने इस अवसर पर कहा कि पटना इस नए खुदरा अनुभव केंद्र के साथ अपने विस्तार के अगले दौर में कदम रखा है और हम ICC से EVs में बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रव्यापी नेटवर्क निर्मित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने 2013 में अपना जर्नी शुरू करी थी, तब से इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके अंदर की मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोलर्स और उसके बाद पूरी गाड़ी मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। सन 2013 में जब ये सब शुरू हुआ था आंदोलन कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ होना चाहिए, 10 साल से किए हैं काम, करीब 1500 गाड़ियाँ इस समय हमारी चल रही हैं रोड में। कंपनी बेंगलोर बेस्ड है लेकिन पूरे इंडिया में फुटप्रिंट है, 15 डीलरशिप्स हैं। आज बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि पाटलिपुत्रा में हम लोगों ने पार्टनर किया है साथ में ये इनिशिएटिव यहाँ शुरू करने के लिए। मैं देख ही रहा हूँ कि किस तरह का प्रदूषण है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक स्टेप है बिहार के लिए, पाटलिपुत्रा पटना के लिए, जिसके अंदर की ये ग्रीन हो। इस अवसर पर बोलते हुए पाटलिपुत्र ऑटोमोबाइल्स के सहस्वामी शिवानी राज और अक्षय सिंह ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि पटना में ईवी क्रांति लाने के लिए हमने अल्ट्री ग्रीन के साथ साझेदारी की है। हमारा मिशन उच्च कोटि की गुणवत्ता, उत्कृष्ट मूल्य, अखंडता और जुनून के साथ बिक्री और सेवा अनुभव प्रदान करते हुए अपने ग्राहकों को खुश करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारा ग्रुप पाटलिपुत्रा जो कि पिछले 17 सालों से बिहार में सर्व कर रहा है, हमारे बहुत सारे कस्टमर बेस हैं। और जब अल्ट्री ग्रीन हमने करने का सोचा है इसलिए क्योंकि जो आज ऑल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में बात हो रही है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमने सोचा कि हमें भी बिहार में कुछ अच्छा करना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो हमने इसलिए सोचा कि हमें ईवी के साथ रिलेट करना चाहिए और ईवी में अल्ट्री ग्रीन एक बहुत अच्छी कंपनी है। जब हम लोग इनका फैसिलिटी विज़िट करने गए तो हमने देखा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से R&D करके पिछले 10 साल से इन्होंने R&D की है और उसका नतीजा है कि आज जो इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ऑटो में पलटने का डर रहता है तो ये ऑटो इसलिए नहीं पलटेगा क्योंकि इसका जो आप बैटरी देखोगे, जो इसका जो भार दिया हुआ है वो बीच में, बिल्कुल बीच में दिया हुआ है, जिसके कारण से सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। प्लस ईवी है तो बचत बहुत अच्छी होगी कंज्यूमर्स की, जो हमारे ऑटो चलाने वाले लोग रहते हैं उनका जो फिनांस अगर वो कराएंगे तो इसमें कॉस्ट सेविंग भी काफ़ी होगी, तो उनके लिए बचत का भी तरीका एक अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से पाटलिपुत्र और अल्ट्री ग्रीन मिल के बिहार में वी आर ट्राइंग की हम लोग कुछ नया लेके आए। देखिए, अल्ट्री ग्रीन एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, ईवी सेगमेंट में एक ऐसी कंपनी है जो जिन्होंने अपना ज़्यादातर समय रिसर्च पे बिताया है। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो साल दो साल के अंदर उत्पन्न होती हैं और अलग अलग ब्रांड के तहत अपनी गाड़ियां बेच रही हैं, बट अल्ट्री ग्रीन ने जहां समय चाहिए वहां पे 10 साल बिताया है रिसर्च करके। इन्होंने अपने साथ जिन लोगों को जोड़ा है, इनकी टीम में अगर आप देखेंगे तो इनके फाउंडर जो हैं वो NASA के साथ काम कर चुके हैं, HP के साथ काम कर चुके हैं, इनके जो डायरेक्टर ऑफ सेल्स हैं डीलर डेवलपमेंट में जो हैं वो मर्सिडीज़ और टोयोटा जैसे बैकग्राउंड, रिच बैकग्राउंड को लेके आते हैं। तो इन सब ने मिलके जो प्रोडक्ट बनाया है दैट इज़ रेडी फॉर इंडियन मार्केट, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके साथ मिलके हम कस्टमर तक ये पहुँचाएँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता है, कैसे उनके लिए 7,500 से 10,000-12,000 रुपये महीने का बचत कर सकता है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेंज एंग्जाइटी, हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई चार्ज
करेंगे 30-40 किलोमीटर में बैटरी खत्म हो जाएगी, बट इसका फुल चार्ज ARAI सर्टिफाइड 150 किलोमीटर है। अगर आप फुल लोड के साथ जाएंगे तो 125-130 किलोमीटर आपको मिल रहा है। तो थ्री व्हीलर सेगमेंट जहाँ आपको दिन का प्रतिदिन का किलोमीटर फिक्स्ड है, वहाँ पे अगर 150 किलोमीटर 3.5 घंटा में चार्ज करके अगर आपकी गाड़ी चल रही है 90 पैसा पर किलोमीटर, तो सोचिए उन लोगों के लिए जिनकी कमाई 10,000-15,000 रुपये महीने की है, उनकी कमाई अगर डबल हो जाती है तो उनके लिए कितना बेनिफिट होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि सभी की मदद से सब इस चीज़ को मार्केट में पहुँचाएँ और एक रिवोल्यूशन, एक डिसरप्शन क्रिएट करें हम पटना में ऑल्टी ग्रीन के साथ।